अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज यू नो आई एम अ फूडी और फूडीज के बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो उनको खाने का शौक होता है, जैसे कि पकौड़े इज़ अ ग्रेट फेवरेट ऑफ माइन। लोग कहते हैं कि सर्दियों में या बारिश के मौसम में बंदा पकौड़े खाता है। मुझे आप किसी भी टाइम पकौड़े खिला दें, सुबह दोपहर शाम विंटर समर वॉट एवर, आई लव पकौड़ा। सो आज मैं आपके साथ क्विक पकौड़ा रेसिपी शेयर करूंगी। लोग तो बहुत इंटरेस्टिंग पकौड़े बनाते हैं, लेकिन ये पकौड़े हमारे घर में जैसे ही मैं कहूँ ना मेरे पकौड़े खाने हैं, ये तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो लेट्स मेक, वो जो होता है ना, जो मिक्स होता है बेसन का, एक तो आपने बेसन डाल दिया, राइट। हस्बे ज़रूरत वाला सीन होता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सॉल्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, कितनी चीज़ें लेते हैं। बट जो मसाले मैं इसके अंदर डालती हूँ, बहुत से लोग नहीं डालते ज़ीरा, बट मुझे भुना हुआ ज़ीरा बहुत पसंद है। हरी मिर्च डालती हूँ, धनिया डालती हूँ, प्याज डालती हूँ, आलू डालती हूँ और पालक डालती हूँ। उसके साथ साथ अनारदाना बहुत ज़रूरी है, सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक एंड लाइक आई सेड ज़ीरा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम अपने मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आपने वेजिटेबल्स डालनी होती हैं तो उसका अपना एक मामला होता है। मैं एज़ पर ज़रूरत डालती हूँ, हर बंदे का अपना अंदाज़ होता है काम करने का। मेरा ये होता है कि बस भूख लगी है तो फ़ौरन खाना खाना है। अनारदाना थोड़ा सा क्रश हुआ हुआ हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। अनारदाना हमने डाला, उसके अंदर हमने हरी मिर्चें भी डाल दी और उसके बाद मैं इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगेन कौन कितना कंज्यूम करता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं बेकिंग पाउडर भी डालूंगी, बहुत से लोग नहीं भी डालते। आई प्रेफर टू पुट बेकिंग पाउडर बिकॉज मुझे उससे एक ज़्यादा जो है ना वो थोड़ी सी फ्लफ़ी लुक आ जाती है, इसीलिए तो लोग पैनकेक्स के अंदर भी डालते हैं। खैर, आई विल पुट सम बेकिंग पाउडर इन नाउ एंड इसके अंदर हम पानी डालेंगे। अच्छा, मिक्स थोड़ा सा हमने थिक रखना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने उसके अंदर वेजिटेबल्स भी डालनी है तो उसको हमने कोट भी करना है उससे। सो दिस इज़ अ क्विक झटपट रेसिपी। ऑब्वियसली जितना आपने कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी बनानी है आप उतनी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। पानी कोशिश करें कि उतना डालें जितने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, लोग कहते हैं कि यार लम्प्स नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जब आप मिक्स पकौड़े बना रहे होते हैं तो तब इतना ये इशू नहीं होता। इशू तब आता है जब हमने आलू की जिस तरह कतनियाँ डिप करके फ्राई करनी हो या पालक के पूरे पूरे पत्ते करने हो, यही वाला मिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपने अपना मिक्सचर हल्का सा जो है ना वो थिन बनाना है, इतना मोटा इतना थिक मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ये हो गया, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि बस आप खड़ी होकर बता देती हैं कि आपको चीज़ें पसंद हैं, ये हैं वो है, कभी बना के भी दिखाएं। अच्छा, मैं तो आपको पता है ऐसी सी हूँ, नमक मुझे थोड़ा कम महसूस हुआ, मिर्च ठीक है, धनिया भी ठीक है, ज़ीरा मैं इसमें और डालूँगी, आलू हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, आलू भी हमने डाल दिए, ठीक है। एक दफ़ा आलू डाल के मिक्स कर लिया, उसके बाद देन आई पुट द पालक इन। डिपेंडिंग, हर बंदे का अपना एक अंदाज़ होता है चीज़ें करने का, कितना कितना वो यूज़ करते हैं। मुझे लग रहा है कि इतना मज़ा, एंड देन ऑफकोर्स धनिया, धनिया का अपना एक बहुत ही मज़े का और यूनिक फ्लेवर आता है। तो और कोशिश करें कि वेजिटेबल ज़्यादा हों। अच्छा, अब आजकल मैंने नोट किया कि लोग मैदा भी डालना शुरू हो गए हैं। प्लीज़ मैदे मुदे ना डाला करें, जो एक हेल्दी चीज़ है, क्योंकि देखें ना बेसन चिक प्लीज का बना हुआ है, तो ये भी आप सुन रहे हैं ऑयल भी साथ साथ गर्म हो रहा है। मेरा पॉइंट ये होता है कि चीज़ क्विक हो, झटपट हो। देखें, बच्चे हैं, हज़ार और चीज़ें होती हैं बंदे की ज़िंदगी में चल रही होती हैं, तो बंदा क्विक क्विक चीज़ करे। घर में मेहमान आए हैं, जल्दी से कोई चीज़ सर्व करनी है, आपने पकौड़े फ्राई कर दिए एंड यू आर गुड टू गो। अब ये देखें मेरा मिक्स भी तैयार है। हाथ से आपने डालने हैं, आप बेशक हाथ से डाल लें, वैसे मैं तो हाथ से ही डालने लगी हूँ बिकॉज उसकी फिर उसकी शेप बड़ी मज़े की बनती है हाथ से जब आप डालते हैं। बट ऑब्वियसली बी वेरी वेरी केयरफुल और हाथ आपके साफ होने चाहिए। और जिस तरह आप पोटैटो फ्रिटर्स भी देखते हैं, अब याद रखें इसमें आलू कच्चे हैं, बिकॉज आलू कच्चे हैं तो उसको पकने का हमने प्रॉपर टाइम देना है, राइट। सो ये देखें, और ये आपका झटपट आपके जो हैं वो तैयार हो गए पकौड़े, ना आपको कुछ खपने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ। और अब मैं ज़रा अपने हाथ वॉश कर लूँ, थोड़े से नहीं, अच्छे से कर लेते हैं वॉश। हर बंदे का अपना तरीका होता है चीज़ों को कुक करने का, तैयार करने का। अच्छा, आप इसी दौरान अगर आपने टाइम सेव करना है, आपने चटनी और केचप जो है वो डाल लिया, ये लें जी,
अब आपने सिर्फ अपने पकौड़े, जैसे ही आपके पकौड़े रेडी होते हैं, आपने उनको निकाला और आपने उनको सर्व कर दिया गरम गरम। एंड अगेन, पकौड़े आपने रखने नहीं हैं, एक दफ़ा आपने पकौड़े बना लिए हैं तो उसी वक्त उसको सर्व करना है। ये अब वो कड़ी वाला सिलसिला नहीं है कि आपने बनाया और वो किया। अब ये देखें ना, वो बड़े मज़े के क्रिस्पी से, लाइट से, लजीज से पकौड़े बन जाएंगे। इसको हम आपको कोने देंगे, बट अगेन लाइक आई सेड, आलू हैं सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉपरली कुक हो जाएं, फिर हम उसको टर्न करेंगे। एंड इन पकौड़ों का यही होता है कि यू हैव टू, मतलब बहुत ज़्यादा हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा मूव करेंगे। बेस्ट तो यही है कि इसी तरीके से मूव करें, जब एक साइड कुक हो जाए उसको फ्लिप करें और आप दूसरी साइड के ऊपर टर्न ओवर कर जाएं। एंड यमी यमी पकौड़े, जैसे ही ये फ्राई होंगे तो मैं फिर आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। अच्छा, जब आपके पकौड़े ऑलमोस्ट डन हो जाएं, तो प्लीज़ जिस डिश में सर्व करना है उसमें इमीडिएटली मत निकालिएगा, क्योंकि होगा ये कि आपकी सारी डिश पे तेल लग जाना है। और वैसे भी अगर तेल को अब्सॉर्ब करने के लिए कुछ यूज़ करना है तो किचन रोल का इस्तेमाल करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो अखबार लगा देते हैं। अखबार नहीं लगाना, अखबार आपके लिए बहुत डेंजरस है। अखबार के ऊपर जो राइटिंग होती जो उसके ऊपर इंक यूज़ की होती है, वो जहरीली होती है। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अखबार का आपने नहीं इस्तेमाल करना जब भी आपने कोई भी चीज़ फ्राई करके निकालनी है। पकौड़े ऑलमोस्ट डन है, मुझे ज़रा क्रिस्पी और ब्राउन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप पे डिपेंड करता है हाउ यू लाइक इट। तो पहले हम इसको इसमें निकालेंगे और फिर अपनी सर्विंग डिश में रखेंगे। अल्टीमेटली वही वाली बात है कि आप लोगों को क्या पसंद है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आपको यही होता है ना कि यार देखने में मज़े की लगे चीज़, क्योंकि जब वो दिखने में मज़े की लगेगी, उससे अच्छी खुशबू आ रही होगी, तो उसको खाने को भी दिल चाहेगा। सो मेक श्योर दैट जब भी आप खाने पीने की इस तरह की चीज़ें बनाएं या करें, तो मेक श्योर कि उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। दो एक्स्ट्रा मिनट लगते हैं यार, एक एक्स्ट्रा डिश इस्तेमाल हो जाती है और क्या होता है। बट अब ये देखें, ये अच्छे खासे ना क्रिस्पी पकौड़े बन गए। अगर आप ये देखें तो ये अच्छे खासे जो है ना क्रिस्पी पकौड़े हैं इस वक्त। सो बेकिंग पाउडर से बड़ा फ़र्क पड़ता है, अनारदाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स व्हाट एड्स दैट यमी टैंगी टेस्ट। एंड बाकी जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है, लाइक आई सेड कि अगर आपने इन्हीं पकौड़ों को ज़रा सा, वो जिस तरह पालक के पूरे होते हैं या मिर्चों के होते हैं, मिर्चों वालों में थोड़ा सा अचारी मसाला अगर अंदर डाल दें मिर्चों को कट करके और फिर उस अमेजे में डिप करें, तो वो बड़े मज़े का बन जाता है। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन वॉट यू वॉन्ट एंड हाउ यू वॉन्ट इट। बट जो लोग कहते हैं कि आपको खाना बनाना भी आता है, तो अल्लाह का शुक्र है, खाना भी बनाना आता है, स्नैक्स भी बनाने आते हैं। और ये देखें हमारे क्रिस्पी पकौड़े जो हैं रेडी हैं। कितना मुश्किल काम था, शदीद आसान। अब ये हम इसको निकाल लेंगे और इनको हम, अब देखें ना, अगर आपकी कोई फ्रेंड आई है या एक दो लोग आए हुए हैं, तो ये एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। गरम गरम है, लेकिन आपके सामने गरम गरम क्रिस्पी पकौड़े जो हैं ये हमारे हो गए तैयार। और इनको करेंगे हम सर्व विद अ वैरायटी ऑफ, मतलब केचप आपने सर्व करना है, आपने जो भी चीज़ सर्व करनी है साथ में आप कर सकते हैं। देयर यू गो, गरम गरम क्रिस्पी पकौड़े तैयार।